हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जाने वाले हैं कानपुर के इस्कॉन टेम्पल, और हमारे गांव से दोस्त आ रहा है तो उससे भी वहीं पर मिलेंगे, और इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं वहां पर। तो चलिए उससे मिलते हैं और आप लोगों को इस्कॉन टेम्पल दिखाते हैं, चलिए चलें। तो दोस्तों हम लोग बाहर आ चुके हैं, चलते हैं इस्कॉन टेम्पल की तरफ। अरे यार ये क्या, हम लोग रॉन्ग साइड आ गए हैं, चलो उस साइड चलते हैं। ये देखो रोड के बीच से नारी निकल रही है, यहाँ की रोडें तो कभी बनी नहीं सकती जैसे। तो दोस्तों रोहित भाई यहीं पर आ गया था हाईवे के पास, तो हम लोगों ने रोहित भाई को पिक कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं शुभम भाई के पास, फिर वहां से हम लोग इस्कॉन जाएंगे। ये पीडब्ल्यू वाले तो हर जगह दिखाई देने लगे हैं। ये देखो रेस करने आए हैं। तो दोस्तों हम लोग काकादेव आ चुके हैं और यहीं पर हम लोग को शुभम भाई मिलेगा, तो चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने शुभम भाई को भी पिक कर लिया, अब हम लोग चलते हैं इस्कॉन। तो दोस्तों अभी हम हैं काकादेव कोचिंग मंडी में, जहाँ पे बच्चे अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने आते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने, आप लोग भी यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। अब थोड़ा बढ़िया रोड मिला है, अब बाइक चलाने में मज़ा आएगी। भाई आराम से पहले मुझे निकल जाने दो, देखा सिस्टम के तो नीचे रहना पड़ेगा ना सिस्टम। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं गुरुदेव चौराहा, तो अब हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेंगे, फिर हम लोग को बस सीधे सीधे जाना है। तो दोस्तों यहाँ से होती है एंट्री इस्कॉन टेम्पल के लिए जाने के लिए, सो चलिए चलते हैं। खुला है कितने रुपये पड़ती है, पैसे या नहीं दूंगा? ऑनलाइन नहीं है, कैश नहीं है। हाँ अच्छे से गाड़ी देखना, 20 रुपए दे रहे, चोरी नहीं होना चाहिए गाड़ी, वरना नई गाड़ी निकलवा लेंगे। हाँ करो, अब कल तक निकालो, पैसे लेने का मन नहीं है क्या? नहीं तुम ना लो पैसे, आई थोड़ी होता, आई थोड़ी होते गाड़ी पढ़ो। तो दोस्तों हम लोग इस्कॉन टेम्पल पहुंच चुके हैं, आप लोग को यहाँ का व्यू दिखाते हैं। हेलो
तो दोस्तों हम इस्कॉन टेंपल आ चुके हैं और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है और बादल बादल भी थोड़े थोड़े हैं और यहाँ फ्लावर्स फ्लावर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। मिट्टी ज्यादा है ना, हटाओ। और इसमें पहले बैठा जाए और इसमें झूला जाए। तो बैठ के चढ़ने लगे जैसे ही पहला राउंड आया दूसरा राउंड आया तो मैंने ऊपर देखा, ऊपर का। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस्कॉन और यहाँ पे बल्ब बजाते हैं, चलिए अंदर चलते हैं। काफी अच्छा बना है ऐसे अंदर से, मूर्ति बहुत अच्छी है। हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं और वहाँ पे मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो इस वजह से हम लोग वहाँ वीडियो नहीं बना पाए, तो आप लोग दिखा नहीं पाए। तो हम लोग बाहर आ चुके हैं पार्क में, यहाँ थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर उसके अंदर घर की तरफ निकलेंगे। चलिए चलते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर कृष्ण जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरा टेम्पल घूम लिया है और अब हम लोग घर की तरफ चलते हैं। तो पहले हम लोग अपने शूज़ पहनेंगे, ऊपर से बाइक निकालेंगे, फिर चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों हम लोग बाहर आ चुके हैं पार्किंग में और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे मोमोज खाने। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नवाबगंज यहाँ पे मोमोज खाने के लिए और शुभम भाई हमारा मोमोज खिला रहा है, चलिए खाते हैं। तो दोस्तों सभी लोग घर जा चुके हैं, अब हम लोग भी घर चलते हैं और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आज दिन काफ़ी अच्छा था हमारा, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाय।